नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। मेरा नाम है नितिन और जैसे कि आपने थंबनेल में ये बात देख ली है कि आज यह वीडियो में हम किस चीज की चर्चा करने वाले हैं, रीजनिंग की। रीजनिंग ब्रह्मास्त्र नाम से दोस्तों आपके लिए सीरीज लाई जा रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी आपके अच्छे अच्छे पेपरों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के बेसिस पे, ठीक है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या यह सही में टफ होते हैं कि बस ऐसी एक धारणा बना दी गई है कि यार जो पेपर में आ रहा है वो तो टफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी तक हमने ऑलरेडी दो वीडियोस ला रखे हैं, ठीक है। पहला था हमारे सीरीज यानी कि श्रृंखला के बेसिस पे, आपने खूब सारा प्यार दिया। उसके बाद हमने एक और वीडियो लाया आपके लिए, कोडिंग डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा। तो दोनों ही वीडियो आ चुके हैं, अगर आपसे मिस हो गए हैं आप उनको बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। आज उसी प्लेलिस्ट में हमारा तीसरा वीडियो आ रहा है जिसका नाम है एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी। अब एनालॉजी क्या है? एनालॉजी इज नथिंग बट सादृश्यता, ठीक है। हिंदी में नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है परंतु ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। देखिए कैसा करना है। सादृश्यता का मतलब होता है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी अर्थात समानता। तो बस आपको क्या करना है, समानता को पहचानना है यानी कि चीजों को समान तरीके से देखना है, ठीक है। तो अगर ये हम देख पाते हैं तब तो हमारे लिए टॉपिक बहुत ही आसान है। आज एनालॉजी के अलावा इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको मैं कुछ पजल्स के भी प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि पजल के भी इक्के दिक्के क्वेश्चन हमेशा ही हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मोटे मोटे तौर पे हम एनालॉजी और पजल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, यहां पे आइए देखते हैं, ठीक है। एनालॉजी प्रीवियस क्वेश्चंस और यहां पे आप पजल भी समझ लीजिए। पजल के क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो अलग से उसके लिए वीडियो बनाना मैंने उचित नहीं समझा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एनालॉजी के साथ ही पजल्स के भी एक दो क्वेश्चन जो पहले पूछ रखे हैं उनको भी मैं यहाँ पे आपके साथ साझा कर दूं, ठीक है। आइए अब एनालॉजी की जब हम चर्चा कर रहे हैं तब हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि एनालॉजी होती है, एनालॉजी को जैसे हमने बोला समानता, ठीक है। बिल्कुल दो मिनट लूंगा मैं आपको, ऊपर ऊपर स्तर से बता रहा हूं कि यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम सादृश्यता है परंतु उससे आसान चीज है समानता, इससे आप जल्दी समझेंगे। देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया चार, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 16, ठीक है, और यहाँ पे फिर ऐसे दो बिंदु और बन जाए और यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ एक प्रश्न चिन्ह दे दूं, तो ये बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पे किस चीज की चर्चा कर रहा हूं। समानता का अर्थात इन दोनों चीजों के बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, ठीक है, वही समान रिलेशन, वही समान रिलेशन हमें कहां स्थापित करना है, इन दोनों चीजों के बीच में। तो आपने देखा 4 और 16 इसके बीच में क्या रिश्ता है, वर्ग का रिश्ता, यानी कि 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है। तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 4 का वर्ग। तो उसी समान तरीके से यहां अगर 8 लिखा है तो यहां क्या आएगा, 8 का वर्ग यानी कि 64, ठीक है। यही समानता कहलाती है, यही सादृश्यता कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम रीजनिंग वाले टॉपिक में भी मैंने आपको ये बात बहुत इजीली बताई हुई है कि कम से कम हमें 1 से 30 तक के वर्ग यानी कि आपके स्क्वायर्स, उसके बाद 1 से 15 तक के घन यानी कि क्यूब्स, ये सारे पता रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि भले वो टॉपिक सीरीज हो, भले वो टॉपिक आपका एनालॉजी हो, भरपूर क्वेश्चंस इसी के आधार पर पूछे जाते हैं, भरपूर क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि पेपर मेकर को बहुत पसंद है ये घन और वर्ग, तो आप देखिएगा काफी सारे क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो इन्हीं के आधार पर बनते हैं, वर्ग और घन। तो जितना अच्छा होगा हमारे लिए कि ये चीजें हमें याद है तो हम फटाफट पैटर्न को देख के तुरंत वहां पर काम कर सकते हैं। और ये ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ आपको कहने भर के लिए कह रहा हूं, आज भी जो मैंने पेपर के क्वेश्चंस लिए आप वहां पे देखेंगे ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से लागू होती है, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, 1 से 30 तक के वर्ग और 1 से 15 तक के घन कम से कम किसी भी हालत में हमें याद रहने चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए अब विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम चलते हैं क्वेश्चंस पर और देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हम उनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन में अभी क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, ये कहाँ का है, सीजीपीएससी आपके सीसेट 2022 का प्रश्न है। प्रश्न को देखिए, 8 448 13 - बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। परंतु मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जब तक वर्ग और घन हमारे दिमाग में नहीं बैठे रहेंगे तब तक आप सोच विचार में लग जाएंगे और अगला आदमी इसको सॉल्व कर करके चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि 1 से 30 तक के वर्ग और 1 से 15 तक के घन किसी भी हालत में हमें याद रहे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं दोस्तों, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, मुझे मालूम है 8 का घन कितना होता है, 512, ठीक है। 512 तो नहीं है ये, ठीक है,
आठ का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 64। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए कि 512 है और 64 है। ठीक है, 512 है और 64 है। अगर इन दोनों का मैं अंतर ले लूं, तो यहां पे क्या बात बनेगी? 12 चार गया 8, 50 में 6 गया 44। अब देखिए क्या जो नंबर आ रहा है, 448, क्या वही दिया है यहां पे? बिल्कुल वही दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझने आ गया कि इनके बीच में क्या संबंध है। इनके बीच में ऐसा संबंध है, जो भी यहां नंबर लिखा रहेगा, जो भी संख्या यहां दी जाएगी, उसका घन लेना है, उसका वर्ग लेना है, उनका अंतर निकालना है, और वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो 13 के साथ भी वही समान चीज आप करोगे। क्या करोगे? 13 का घन लोगे, कितना होता है? 2197। 13 का वर्ग लोगे, 13 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 169। ठीक है, इसको आप माइनस करा दो, कितना? 17 9 गया 8, यहाँ पे कितना है? 18। 16 गया 2, 20। तो 2028 आपका उत्तर उचित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आप सोचिए आपको ये घन और वर्ग नहीं पता है, तब तो आप कितनी भी कैलकुलेशन करते रहेंगे बहुत फंस जाएंगे। इसीलिए कोशिश करिए कि कम से कम वर्ग और घन आपके एकदम मुंह जवानी याद रहे दोस्तों। ऐसे चीजों को फिर जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। ठीक है, कहीं डाउट आएगा तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो, और अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये सेशन तो बिल्कुल लाइक करने में भी कंजूसी ना करें। ठीक है, आइए चलिए देखिए। ये भी वापस सीजीपीएससी सीसेट 2021 का प्रश्न। इससे पहले जो प्रश्न था वो क्या था? 2022 का। ये जो प्रश्न है कैसा है? 2021 का। अब देखिए, इसने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है ना। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा है उसी से मिलता जुलता 2022 में पूछा था। क्या वहां पे भी 8 और 13 थे? बिल्कुल। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा आप लगाते जाएंगे ना, आपको क्लैरिटी रहेगी कि पेपर में जो बना रहे हैं क्वेश्चन उनकी सोच क्या है। अगर उनकी सोच को हम बहुत भली भांति समझते हैं तो हमारे लिए आगे का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए वापस। ये 576 है, मालूम है कि 8 के घन भी 500 की लाइन में आता है, तो 8 का घन कितना हुआ? 512। ठीक है, अब देखिए 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? माइनस हो रहा है। यहां पे अगर आप समझदार हैं तो आप देखेंगे 2 और 4 जोड़ के क्या बना देंगे? 6। ठीक है, तो यहां से ये सोच उत्पन्न होती है कि अरे ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 4 पे खत्म हो रहा है, क्या मालूम इन दोनों को जोड़ दें तो 6 आ जाए। तो ये तुक्का हमारा अब अच्छा बैठ गया। 1 और 6 कितना होगा दोस्तों? 7। 5 5 की तो क्या अब आपको दिख रहा है कि 576 ही आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों काम करना है। मैं आपको एक सोच के आधार पर ये चीजें बता रहा हूँ कि आपको अपनी सोच क्या रखनी है। ठीक है, तो अब आपको रिश्ता समझ गया। क्या रिश्ता है? कि जो भी संख्या दी है उसका घन और उसके वर्ग को आपने जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहां पे क्या संख्या दी है? 13। तो 13 का घन क्या होगा दोस्तों? 2197। 13 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 169। तो आखिर में 9 और 7 जोड़ के क्या बनाएंगे? 6। तो जो भी उत्तर होगा उसमें आखिर में क्या आएगा? 6। आपका ऑप्शन सी यहां पे। ठीक है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर पूरा निकाल लीजिए। अरे पूरा निकालने की मेहनत क्यों करनी है जब आपका ऑप्शन एक ही है जहां पे 6 है। ठीक है, बेशक आप देख सकते हैं उसको पूरा निकाल के उत्तर 2366 ही आएगा। समझदारी वही है कि जल्द से जल्द काम करा जाए दोस्तों। समझदारी ये नहीं है कि पूरा काम करा जाए, समझदारी ये है कि जल्द से जल्द काम करके अपने आंसर तक पहुंचा जाए। ठीक है, तो 2366 मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है कि हम ये कहां से ला रहे। जो भी घन था और जो भी वर्ग था उसको जोड़ के हमने ला दिया। ठीक है, बात स्पष्ट है, चलिए आइए। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, ये सीसेट में 2021 के पूछा हुआ एक पजल है। इस पजल में आपको क्या क्या चीजें दिख रही है दोस्तों, एक बार आराम से देखिए। 7 4 6 927 एक प्रश्न चिन्ह यहां बना रखा है, 349 1474 149 और आपका आ गया 947। अब आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न चिन्ह वाली जगह पे क्या आएगा। ठीक है, सोचिए सोचिए। ठीक है, देखिए आपको मालूम है 1474 है, ये 927 है, ये 7 है। ठीक है, अब 7 के पहाड़े से तो कटने से रहा 927, या 7 को आप 927 से जोड़ के 1474 नहीं लेके आ पाएंगे, बात स्पष्ट है। तो अब क्या करा जाए? तो अब ऐसा कुछ करा जा सकता है दोस्तों कि अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। क्यों मैं इसीलिए ऐड कर रहा हूं? क्योंकि मुझे तो मालूम है यह बात कि पेपर वाला हमेशा वर्ग घन इसके इर्द गिर्द चलता है। ठीक है, तो
आप देखिए, अगर 1474 और 927 को आप जोड़ोगे तो आखिर में क्या अंक आएगा? 7 और 4, 1 आएगा आखिर में। क्या आएगा? 1। ठीक है, देखिए मैं लिख के दिखा दूं। 7 4 11, ठीक है, 7 2 2 9 10, 10 4 14, तो 2 4 0 1। ये इतना प्यारा नंबर है दोस्तों, आपको ये पता रहना चाहिए। 2 4 0 1 क्या है? यह है 7 की पावर 4। यह क्या है? 7 की पावर 4। पर ये सिर्फ अभी तक महज एक तुक्का है, हमने इनको ऐड करा है और हमारे पास जो नंबर उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो नंबर आ रहा है, वो क्या दिख रहा है? 7 की पावर 4। क्या दिख रहा है? 7 की पावर 4, इस तरीके का दिख रहा है। तो अगर अब यहाँ पे हम दिमाग लगाएं कि इस तुक्के को यहां पर भी लागू होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हम यही चीज यहां पर भी लगाएंगे, तभी हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक तुक्का अगर इधर लग रहा है तो वो तुक्का तीनों जगह लगेगा, तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये बात स्पष्ट है, ये रीजन अच्छा है। तो अगर यहां पे आप देखोगे तो 349 है, ठीक है, और क्या लिखा है? 947। अब दिमाग आप देखिए कितना बढ़िया यहां पर लग रहा है, 9 और 7 क्या बना देंगे? 6। अब मुझे मालूम है कि ये 6 का वर्ग घन कुछ भी हो सकता है, चेक करिएगा, 9 7 6 यानी कि 16, 4 4 8 9, और 9 और 3 कितना होता है दोस्तों? 12। क्या 1296 दिखी हुई चीज है आपकी? बिल्कुल, ये क्या है? 6 का पावर 4, 6 का पावर 4। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि इन दो संख्याओं का योग हो रहा है, और वो योग जो आ रहा है वो किसके बराबर है? ऊपर दी हुई संख्या के पावर 4 के बराबर। तो यहाँ पे जो चीज आएगी और यहाँ पे जो चीज आएगी वो कैसी होनी चाहिए? 149 प्लस कुछ जो हमें प्रश्न चिन्ह में दिया हुआ है, बराबर क्या होना चाहिए? जो ऊपर दी हुई संख्या है 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 होती है दोस्तों 256, 16 का वर्ग 256। तो 149 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे जो आपको 256 मिल जाए? तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं 107 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 107 है क्या ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है आपके लगातार सीजीपीएससी के सी सेट के ही क्वेश्चंस थे 2021 22 22 21 21। कहीं ना कहीं तीनों क्वेश्चंस में आपने देखा घन, वर्ग, पावर 4 लगते जा रही है। पावर 4 कम लगती है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, छोटे छोटे नंबर है, इनकी पावर 4 आपको ध्यान में रहनी चाहिए, तो काम हमारा और आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये चीज से मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलाइज करा रहा हूँ पेपर में क्वेश्चन दिखा दिखा के कि ऐसी चीजें पूछी जाती है हमेशा। ठीक है, आइए और क्वेश्चंस लगाते हैं। 32 896 41 53 2597। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको लगे कि 30 तक हमें वर्ग पता है परंतु उसके आगे के वर्ग नहीं पता है, तो मैंने आप सभी के लिए शॉर्ट्स वीडियो इस चीज के डाल रखे हैं, जहां पे मैंने ये ट्रिक आपसे साझा करी है कि 2 डिजिट के अगर आपको वर्ग निकालने हैं 2 डिजिट के, तो तुरंत आप विद इन 10 सेकंड 5 सेकंड में निकाल सकते। ठीक है, ये बात आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके शॉर्ट्स उसका ढूंढेंगे तो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये 32 के वर्ग के आसपास की कोई चीज है, ध्यान से देखिए। 32 का वर्ग होता है दोस्तों 3 का वर्ग 9 2 का वर्ग 4। ठीक, 3 2 6 2 12, ये आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं 1024। ये क्या है? 32 का वर्ग। अब 1024 के आसपास आ गया आपका 900, यानी कि 896। ठीक है, तो 1024 में से कुछ तो आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कितना इसमें से घटाएंगे कि आपको 32 मिल जाए, आपको 32 का कुछ हिसाब किताब मिल जाए। तो आप देखिए यहां पे अगर आपको घटा के 896 लाना है, ठीक है, 1024 से आपको 896 लाना है, तो कुछ तो घटाना पड़ेगा, और वो कितना घटाएंगे? 128 घटाना पड़ रहा है, और ये 128 क्या है दोस्तों? 32 के पहाड़े में आ जाएगा, बिल्कुल 32 चौके 128। यानी कि अब समझने की बात करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या हो रहा है? जो भी संख्या दी है, जैसे कि 32 दिया हुआ, ठीक है, इसका तो पहले आपने ले लिया वर्ग, कितना आया? 32 का वर्ग आया आपका 1024। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कहीं ना कहीं 32 × 4 यानी कि 128 माइनस करना पड़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? 896 आ जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? 896 आ जा रहा है। तो ये एक तुक्का है, आगे भी लगना चाहिए, यानी कि इस 53 वाली जगह पे भी लगना चाहिए। ठीक है, आइए चेक कर दें, 53 का वर्ग कितना होगा? 25 9, ठीक है, 5 3 15 2 30, तो ये आ गया आपका 53 का वर्ग 2809। ठीक है,
इसमें अगर मैं देखूं कि 53 × 4 अगर मैं माइनस कर दूं, 50 × 4 होती है दोस्तों कितनी, 203 × 4 = 12, तो 212 कहीं ना कहीं मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो इससे क्या वैल्यू आएगी, क्या इससे 25 × 97 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, चेक करिए कितना आ रहा है, 25 × 97 आ रहा है, 9 × 2 = 7, और आगे की चीज भी आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी अब जो हमारा तुक्का था वो बिल्कुल सटीक बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आप ये बात समझ सकते हैं कि पहले क्या निकाला जा रहा है, पहले वर्ग निकाला जा रहा है, वर्ग निकालने के बाद क्या करा जा रहा है दोस्तों, वर्ग निकालने के बाद आपको गुणा चार करनी है उस संख्या की और अंतर ले लेना है, गुणा चार करनी है उस संख्या की और अंतर ले लेना है। तो यहाँ पे भी अब हम 41 के साथ भी वही समान रिश्ता स्थापित करेंगे, तभी तो हम कहेंगे कि हम एनालॉजी को सॉल्व कर रहे हैं। तो 41 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 16 × 1 = 4 × 1 = 2 = 8, तो ये आ जाएगा 1681, ठीक है। ऐसे तुरंत निकाले जाते हैं वर्ग, ये जरूर आप इस शॉर्टकट को जाके देखिएगा। तो 1681 अगर आपको पता है कि ये क्या है, 41 का वर्ग है, तो हमें कितना घटाना है, 4 × 41, तो 4 × 41 कितनी होगी, 164, तो इसमें से आप 164 घटा दीजिए, आपका उत्तर कितना आएगा, 81 और ये 64 गया 17, 16 में से एक गया कितना बचा, 1517, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे घुमा फिरा दिया गया है, ठीक है। तो मैं माफी चाहूंगा टाइपिस्ट से, ये छोटी मोटी गलती होती है कभी कभार, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है 1517, यहाँ बी आना चाहिए, यहाँ सी आना चाहिए, परंतु उससे नहीं फर्क पड़ता कि बी है ऊपर की नीचे सी, आपका उत्तर क्या आ रहा है, 1517, बात स्पष्ट है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप जितनी मर्जी देख लीजिए प्रश्न, आपके अमूमन एनालॉजी का अगर क्वेश्चन है तो वो घन वर्ग इसके इर्द गिर्द ही चलेगा, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर ये टॉपिक में हमें अपने आप को स्थापित करना है तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी। आइए देखिए एक और प्रश्न लाया गया है आपके लिए, 7, 336 और 11, ठीक है। माने कि 7 और 336 में ऐसा कुछ रिश्ता है जो 11 और प्रश्न चिन्ह के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि 7 और 336, अब देखिए देखने से पता चल जाता है 7 का घन होता है 343 और 336 क्या है, उसी के पास है। अगर इसमें से मैं 7 ही माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 336। हो गया आसान, ये तो बहुत आसान हो गया दोस्तों, 7 का घन माइनस वही संख्या कितनी आ गई, 336। तो यही समान रिश्ता आगे भी स्थापित होना चाहिए। तो कैसे स्थापित होगा, ध्यान से चेक करिए, 11 का घन कितना होता है, 1331, इसमें से आपने 11 माइनस कर देना है तो आपका उत्तर आना चाहिए 1320। ये देखिए 2020 सीसेट क्वेश्चन, 1320। अब आप जाके एक बार जरूर चेक करिएगा, जो भी आपके सीसेट के पिछले 3 साल के प्रश्न है एनालॉजी अगर समानताओं के आधार पर, सब में वर्ग घन लग रहा है, सब में वर्ग घन लग रहा है। तो ये जितना अच्छा होगा कि अगर 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और वो 2 क्वेश्चन के मार्क्स अगर हमें फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। फ्री में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये सब वर्ग और घन याद रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, यानी कि आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1320। आप देख रहे हैं 10-10, 20-20 सेकंड में इस तरीके से प्रश्न आप उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, जरूरी है कि 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी दोस्तों, परंतु आपको वहां घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करते हुए चलना है, ठीक है। देखिए सीजीपीएससी सीसेट में 2020 में एक प्रश्न ये भी पूछा था। अब कुछ लोग जरूर कह सकते हैं सर ये तो जीएस का क्वेश्चन हो गया, देखिए बात वो नहीं है, जीएस का क्वेश्चन है कि क्या है, हम तो सभी चीज की हमको नॉलेज होनी चाहिए, जीएस तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ ऐसी चीज दी गई है एनालॉजी के फॉर्म में दी हुई है, यानी कि भूटान और नगलट्रम के बीच में कुछ इस तरीके का रिश्ता है जो ईरान और आगे के प्रश्न चिन्ह में होना चाहिए। तो जब भूटान के बारे में सोचते हैं तो आपको यह बात पता रहनी चाहिए कि भूटान की जो करेंसी है, जो वहां पैसे चलते हैं, उसका जो जैसे इंडिया में जो पैसा चलता है उसको क्या बोलते हैं, INR, ठीक है। तो जो भूटान में पैसा चलता है, करेंसी चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नगलट्रम। तो उसी आधार पे हमें यह पहचानना है कि ईरान में कौन सी करेंसी चलती है, तो ईरान में दोस्तों चलती है रियाल, ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, रियाल। ईरान में क्या चलता है, रियाल, ठीक है। तो ये मैं अपने छात्रों को भी हमेशा कहता हूं कि आपको क्या करना है, आपको कंट्री, कैपिटल और करेंसी, इसकी पूरी आपकी एक लिस्ट बनी रहनी चाहिए, इसकी पूरी आपकी एक लिस्ट बनी चाहिए। ये कंट्री लिख दी हमने, यहाँ पे उसका कैपिटल लिख दिया, राजधानी लिख दी और आगे उसकी करेंसी लिख दी, क्योंकि इसके आधार पर हमने बहुत बार क्वेश्चंस
देख रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सी सेट में पूछेगा, एसएससी में पूछता है, बैंकिंग में पूछता है, तरह तरह के पेपरों में ये वाले प्रश्न आते हैं। तो ये चीजें थोड़ी जीके बेस्ड है, बट ये सारी हमें पता रहनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं यूरो कहाँ का करेंसी है, तो ये आप यूरोप कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो आपको जर्मनी मिल जाए, फ्रांस मिल जाए, स्पेन मिल जाए, इटली मिल जाए, इन सभी जगहों पे यूरो चल जाता है। ठीक है, ये बात होगी। अगर मैं आपसे पूछूं दिनार कहाँ का है, दोस्तों दिनार होता है कुवैत का। दिनार कहाँ का है? कुवैत का। ठीक है, लिबिया वगैरह में भी मेरे ख्याल जहां तक मेरी जानकारी जा रही है दिनार ही चलता है। ठीक है, कुवैत का प्राथमिक मतलब मेन तो कुवैत की ही ये करेंसी है। शिकेल है इजराइल की, शिकेल है इजराइल की। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए। रियाल कहाँ की है? रियाल आपकी ईरान की। कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान से ये सारी चीजें भी हमें करनी है। ठीक है, आइए एक दो और क्वेश्चन आपसे कराते हैं, चेक करिए इस क्वेश्चन को। ये भी सीसेट 2021 का प्रश्न है, बेशक एनालॉजी का प्रश्न नहीं है, परंतु ये जो क्वेश्चन है ये समानता का क्वेश्चन है, यानी कि सेम वाला क्वेश्चन है। अर्थात यहां पे देखिए दोस्तों क्या होगा, आपको कुछ दो या तीन संख्याएं दे दी जाएंगी। ठीक है, अब इन तीन संख्याओं के बीच में कोई एक रिश्ता बन रहा होगा, कोई एक आपस में एक रिश्ता स्थापित हो रहा होगा। हमें फिर क्या चेक करना पड़ता है कि इन चारों में से कौन सा वो पेयर है, कौन सी वो ऑप्शन है जहां पे यहां जो रिश्ता बन रहा था वही समान रिश्ता कहां पे स्थापित हो रहा है। अगर यहां पे मान के चलिए 1+2 3 बन रहा है, तो और ऐसी कौन सी जगह जहां पे 1+2 3 बन रहा हो। बात स्पष्ट है, तो आइए चेक करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। अगर 124, 88 और 53 में आप रिश्ता निकालने जाएंगे, 124, 88 और 53 में, तो आप देखिए आप कहां पाएंगे खुद को। 124 और 88 अगर हम जोड़ लें, या अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 88 और 53 जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 130, 130 आ गया ये, और 41, 124 और 141 में तो कोई रिश्ता नहीं बनेगा। ठीक है, 124 और 88 अगर हम जोड़ लें तो देखिए 124 और 88 जोड़ने से आपको आखिर में 2 आ जाएगा। ठीक है, 53 × 4 हो सकती है, चेक करते हैं एक बार। 4 8 12 एक ऊपर गया, 8 2 10 1 11 ये एक ऊपर गया, 2 कितना आ रहा है, 212 आ रहा है। कितना आ रहा है, 212 है। और ये 212 क्या है दोस्तों, 53 × 4 है, क्योंकि 50 की गुणा 4 तो हम सभी जानते हैं, 200 है, 3 की गुणा क्या होती है, 4 12। तो ये रिश्ता स्थापित हो गया। यहाँ पे क्या रिश्ता स्थापित हुआ कि ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी और ये बराबर किसके बनेगी, जो आखिरी संख्या है उसकी गुणा 4 के। ठीक बात है, तो आइए अब यही रिश्ता हम बाकियों में लगा करके देखते हैं कि कहीं ये हमें मिल जाता है तो हम आंसर तुरंत चेक कर लेंगे। जल्दी आइए देखते हैं, 56 और 137 को जोड़िए कितना आएगा, 56, 50 और 130 180, 6 और 7 13 तो 193। अब देखिए 193 तो कभी भी नहीं आएगा, 193 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। और 48 क्या है, एक सम संख्या है। तो 48 के पहाड़े में कभी भी 193 नहीं आएगा दोस्तों, ये गलत हो गया। यहाँ पे आ सकता है क्या, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्या है, 171 और 97 ये कितना हो गया, 271 में 3 हटा दीजिए, 268। ठीक है, ये तो बात नहीं बनी थी। 67, बिल्कुल देखिए 67 × 4 268 होता है, यही आपका उत्तर है। कैसे होगा चेक करिए, 60 × 4 कितना होता है दोस्तों, यहाँ तो आप 60 × 4 कर लीजिए। आप देखिए मैं दिमाग में करता हूँ दोस्तों इन सारी चीजों को, आप भी अगर वैसे करेंगे तो बहुत उचित होगा। 60 × 4 कितना होगा, 240। 7 × 4 कितना होगा, 28। तो क्या ये 268 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसी में और भी लोग इसको ऐसे भी दिमाग में कर लेते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 70 − 3 × 4 तो ये कितना हो गया, 280 − 12 ये भी 268 है। जो भी करना है परंतु दिमाग में करना है, तभी आप समय बचा पाएंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर हमें ये समझने आ गया कि इन दोनों का योग बराबर कितना आ रहा था, 67 × 4 के। तो जो रिश्ता यहां बन रहा था वही सेम रिश्ता यहाँ पे भी बन रहा है, ऑप्शन नंबर इस पे, 171, 97 और 67। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझ के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें अब आपको धीरे धीरे समझ आ रही है, परंतु आपको अभ्यास तो देखिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास के बाद ही बेहतर आप होते जाएंगे। मैं बस आपको एक रास्ता दे रहा हूँ। तो अब आपका एक काम मैं और बढ़ा देता हूँ, CGPSC सीसेट 2022 का ही प्रश्न है, तो जरूर जाके इसे आप ट्राई करिए और कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर।
ठीक है। मैं अगला सेशन जब भी आपका लेके आऊंगा, यानी कि अगले गुरुवार को हम जब मिलेंगे, तो जरूर आप चेक करिएगा इसका आंसर, तब मैं आपसे शेयर करूंगा। परंतु तब तक के लिए मैं आपको एक ये होमवर्क देके जा रहा हूं कि 4, 24, 648 इसके बीच में कुछ ऐसा रिश्ता है जो इन ऑप्शंस में से किसी एक में फुलफिल हो रहा है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसको आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। और अगर आपकी मदद हो रही है, आपको मजा आ रहा है, तो बिल्कुल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे और इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए, ठीक है। रीजनिंग की सीरीज खत्म होने के बाद मैथ्स की भी सीरीज आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बढ़ चढ़ के उसको सपोर्ट करिए, तो फिर आपके लिए जल्द से जल्द वो भी सीरीज लाई जाएगी दोस्तों। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं फिर आगे अगले गुरुवार को, तब तक के लिए आपको यह प्रश्न करके आना है। चलिए, शुक्रिया।